दोस्तों अब टाइम आ गया है, हम लोग चेकआउट करने वाले हैं अपने होटल से। तो अभी दोपहर के 12 बजे हैं और अब रेडी वेडी हो गए हैं, बैग्स हमारे पैक हो गए हैं। हाँ, सब बिखर गया है क्योंकि सारा सामान वामान, आपको पता है मैं ये व्लॉग्स और ये सब भी बना रहा हूँ, तो इक्विपमेंट और ये सारी चीज़ें भी रहती हैं, उसके वजह से सब कुछ होना बिखर गया है। सो वी हैड अ लवली टाइम हियर एट दिस होटल और सब कुछ ही अच्छा था। आप सबने तो देखा ही है पूरे सीरीज में। तो अभी का प्लान ये है दैट क्योंकि हमारी जो बस है वो शाम के 5:30 बजे है, सेम जगह से है जब हम दिल्ली से हम आए थे, वहाँ से ही उसी बस स्टैंड पे हमें जाना है। तो अभी तो क्या है, 5:30 घंटे हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। अब इस बहाने हम लोग थोड़ा सा आसपास भी एक्सप्लोर और कर लेंगे जो मिस हो गया है। और अब हम लोग मतलब इस रूम को वेकेट करेंगे क्योंकि चेकआउट का टाइम हो गया है, और क्योंकि अब बैग्स वैग्स भी हैं, अब लेके हम चलो बाहर अब रिसेप्शन एरिया जाते हैं, वहाँ पे रखवाते हैं, और फिर आगे का जो भी प्लान है वो मैं आप सबको बताता हूँ। ठीक है, सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और आप सब देख सकते हो ये व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है और हम इसको बहुत बहुत मिस करने वाले हैं। अब देख रहे हो जैसे अब ये कर्टन्स हमने खोल दिए हैं एकदम, ये साइड से भी तो पूरा ये पैनोरामिक व्यू आपको देखने को मिलता है। और सुबह जब आप सो के उठते हो इस व्यू के साथ, मतलब सच्ची में बहुत अच्छा लगता है, लिटरली पैराडाइज ऑन अर्थ। और इस जगह को, इस व्यू को बहुत मिस करने वाले हैं कल से वापस दिल्ली में, गर्मी और कंक्रीट बिल्डिंग्स और ये सब देखने को मिलेगा। बट चलो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग आएंगे माउंटेन्स में। और इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करना सो दैट मैं जब भी ऐसे नए नए वीडियोस, नए नए लोकेशंस जब हम लोग विजिट करेंगे आप सबके लिए व्लॉग्स में बनाऊंगा, तो वो सब आप सब देख सको। ठीक है, सो लेट्स गो। तो आज की डेट है 12th of May, देख लेता हूँ। हाँ, 12th of May है, थर्सडे है, और अब हम लोग अपने होटल से निकले, थोड़ा आसपास थोड़ा घूम लेते हैं क्योंकि टाइम यूटिलाइज करना है। देखो इस गाड़ी को, केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि ये हाँ स्लोप है, डाउनवर्ड्स जा रहे हैं। और पता क्या हुआ, जब हम परसों जब हम लोग फर्स्ट टाइम जब नीचे गए थे, उसके अगले दिन तो पैरों की जो बुरी हालत हुई थी, पीछे के साइड में जो काफ्स है, क्या मतलब फुल क्रैम्स। और पर ठीक है, फिर वो लोग मतलब यहाँ से मतलब होटल वालों से हम बात कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे दैट आप जितना करोगे ना, 2-3 दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। सो चढ़ाई तो अभी तक हमने खैर की नहीं है, बट हाँ ऐसे हम नीचे उतरते हैं धीरे धीरे, इस बार ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें। तो मैंने सोचा चलो अभी हमारे पास, अभी क्योंकि दोपहर के अभी 1 बजे हैं और हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 3 घंटे हैं, तो थोड़ा वॉक कर लेते हैं, आसपास का एरिया थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं जहां हम लोग लास्ट 3-4 दिन से नहीं गए। और मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, काफ़ी प्लेजेंट, काफ़ी रिलैक्सिंग है। यहाँ पर नीचे ही मतलब एक फॉरेस्ट एरिया है नेक्स्ट टू ओल्ड मनाली, वहाँ पर मैंने देखा है दैट कुछ लोग मतलब वॉक कर रहे थे, एक ट्रेल बना हुआ है, तो चलते हैं फिर वहाँ। और क्या मस्त हवा चल रही है यार, है देखिए फ्लावर्स और कितना सुंदर है, क्या बढ़िया हवा चल रही है। पता है मैं सीरियसली जब मैं मनाली का ट्रिप प्लान कर रहा था ना, मैं ये सभी मतलब विजुलाइज कर रहा था दैट ऐसे हम लोग वॉक करेंगे, मैं मम्मी को ऐसे जगह दिखाऊंगा, और
क्योंकि ये सब आप सिटी में आप नहीं एक्सपीरियंस कर पाते ये टाइप ऑफ लाइफ, है ना। और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कंफर्टेबल एकदम। टेम्परेचर अभी कितना आ रहा है, 20-22 के आसपास है, ठीक है। और ऊपर स्नो भी है, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं वहाँ ऊपर। हाँ हाँ देख लें, तो ओ हाँ अब दिखेगा। अब ये देखिए, अब यहाँ पे प्रॉपर इस पहाड़ पे स्नो दिख रही है। ये कल परसों ही ये हुई है ये, क्योंकि यहाँ पे स्नो नहीं दिख रही थी, बट ये फ्रेश स्नो है। और लास्ट 2-3 दिन मैंने बताया था ना बारिश हो रही थी नीचे, तो कितना मस्त लग रहा है ना। स्नो क्लाइड माउंटेन्स पीछे, हिमालयन रेंज है, देख लाम। है वही से स्नो, पूरो माउंटेन पे स्नो है। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल जब आप डाउनवर्ड्स आप जा रहे हो, क्योंकि सामने से गाड़ियाँ भी आती है। वो तेज़ इसलिए होती है क्योंकि उनको रेव करके ऊपर मतलब जाना होता है ना, वरना तो गाड़ी खिसकेगी नीचे। सो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी हम नीचे जा रहे हैं। और उसी के साथ जहाँ पे मैं कह रहा था वो ट्रेल है वॉक करने का, उसके बाजू में ही उसके साइड में ही ओल्ड मनाली भी है, जो ओल्ड मनाली का ब्रिज है। तो खैर भूख तो नहीं लग रही है, बहुत खा लिया आज तो, मतलब हैवी ब्रेकफास्ट किया है। और मैं और पेट को भी थोड़ा लाइट रखेंगे क्योंकि शाम को फिर बस जर्नी है, वरना आपको तो पता है। और यहाँ पे ऑटो क्या करते हैं ना, यहाँ बंद करके नीचे ले जाते हैं फ्यूल भी सेव हो जाता है इस बहाने तो ऑलमोस्ट हम नीचे आ गए। पैरों में दर्द हो रही है, पैरों के पीछे तुम्हारा रोचा पैरों के पीछे दर्द हो रहा है? मेरे तो हो रहा है काफ मसल्स की बुरी हालत हो रही है, क्योंकि बॉडी का पूरा लोड पूरा वेट आता है। और एक चीज़ मैंने फील की दैट बॉडी धीरे धीरे मतलब आपकी यूज्ड टू हो जाती है जब आप हिल्स माउंटेन्स में जब आप आते हो। जैसे हम फर्स्ट डे जब आए थे, एटलीस्ट मुझे तो लग रही थी काफ़ी ठंड लग रही थी, और बाकी मतलब धीरे धीरे मतलब हाँ आप यूज्ड टू हो जाते हो, थोड़ा बेटर हो जाते हो। खैर जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन तो ज़बरदस्त ठंड थी। ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, मतलब यहाँ पे वॉक करने में सुकून, ठंडी ठंडी हवा, ग्रीनरी आसपास एकदम, बड़े बड़े पेड़। तो आप बताओ दोस्तों उन पेड़ों को क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है, कमेंट करो नीचे कि आपको पता है कि नहीं। देख लो अच्छे से, अभी हम लोग इस जंगल के बीच में आए हैं। वाओ क्या लग रहा है, सही लग जा रहा ये स्नो में तो मतलब और भी कितना ज्यादा खूबसूरत लगता होगा ना। तो लेफ्ट साइड में ओल्ड मनाली, और यहाँ पे ही हमने कल अपना मील खाया था उस साइड में। खैर अभी हम यहाँ पे थोड़ा देखने आए हैं कि क्या पता अच्छी पिक्चर्स आ जाएं। बहुत ग्रीनरी है, ज़्यादा आगे तक नहीं जाएंगे, यहाँ पे पता नहीं कोने कोने में बैठ के लोग गांजा वांजा फूक रहे। Started to change.
गाइस, ये वो कैफ़े हैं जहाँ पे लास्ट दो दिन से हम लोग खा रहे थे। तो हम लोग उस साइड बैठे थे, अभी हम लोग इस तरफ है रिवर के और धीरे धीरे चल रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मतलब अभी गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा है, लोग भी बहुत हैं और यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स चल रहे हैं। तो अभी यहाँ से थोड़ा व्यू देख रहे हैं। वीडियो बंच कैम लग जा अच्छा। अभी हम लोग रिवर साइड आ गए हैं, थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे रिलैक्स होते फिर हम लोग वापस हम लोग ऑटो लेके अपने होटल की तरफ हम चले आएंगे। रफी 4:30 हम लोग अपना ऑटो या टैक्सी जो भी है वो लेने वाले हैं बस स्टैंड के लिए। और ये है ओल्ड मनाली का ब्रिज और अब जो भी मैं आपको कल व्यू दिखा रहा था वो रहा वो वाला कैफ़े, उस तरफ से मैं आप सबको इस रिवर का व्यू दिखा रहा था। हाउएवर आज दूसरे साइड से भी मैं इसका व्यू आपको दिखा रहा हूँ। मस्त ठंडी हवा भी आ रही है, वरना हम लोग तो थक गए थे नीचे आते आते। यहाँ पे पानी का करंट देखो तो कितनी तेज है यार, एक्चुअली वो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, एक्चुअली वो ऊपर से नीचे है उससे। और फिर ये यहाँ पे सारा प्लेन एरिया है बीच में, यहाँ पे भी थोड़ा सेटल हो रहा है लेकिन यहाँ पे पीछे देखिए पानी का फ्लो करंट कितनी तेज़ है। जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, सो अमेजिंग। और ये पूरा व्यू और ये सारी चीज़ें हम मिस करने वाले हैं वापस दिल्ली जाके, वहाँ पे तो फुल ऑन गर्मी है। बट कोई बात नहीं, फिर से हम आएंगे नेक्स्ट टाइम, मोस्टली हम लोग विंटर्स में आएंगे। तो अगर आप लोग कभी मनाली आते हो मेक श्योर दैट रिवर साइड बैठना, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बस ठंडी हवा चल रही है, पता नहीं लग रहा होगा बट हाँ, क्योंकि पानी के किनारे है तो आ रहा है, मतलब पता चल रहा है ठंडा ठंडा। और आज थोड़ा क्लाउडी भी है वैसे, कैमन लग जाए भालो ना। एक्चुअली मम्मी मना कर रही थी जो नहीं देख तो लिया पानी और कितना, बट मेरा मन भर ही नहीं रहा। अब पहाड़ तो देख लिए, पेड़ पहाड़, बट ये पानी और ये जो व्यू है इसको मैं बहुत मिस करने वाला हूँ। और ये सच है दैट ये एक बहुत बड़ा रीज़न है तभी हम लोग, मतलब मैंने मनाली का ट्रिप प्लान किया था दैट आराम से पानी के किनारे बैठेंगे और चिल करते हैं।